बाबा रामदेव की संपत्ति पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच आज आखिरकार बाबा रामदेव ने अपने सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ट्रस्ट की संपत्ति की घोषणा कर दी। आचार्य बालकृष्ण ने एक एक करके बताया कि उनके किस ट्रस्ट के पास कितनी संपत्ति है। बालकृष्ण ने जिन चार ट्रस्टों के बारे में बताया उसकी संपत्ति 426 करोड़ और खर्च 751 करोड़ रुपए है, यानी 17 साल में इन ट्रस्टों को 1177 करोड़ रुपए की आय हुई। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के पास 249 करोड़ 249 करोड़ 63 लाख इतना ये कैपिटल है। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के पास 164 करोड़ 80 लाख रुपए हैं और भारत स्वाभिमान के पास 9 करोड़ 97 लाख का यह कैपिटल है। इस दरमियान आचार्य बालकृष्ण ये बताना नहीं भूले कि देश के लोगों ने जो पैसा उन्हें दान में दिया है वो उसका पूरा हिसाब दे रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि जो भी आय उनके ट्रस्ट को होती है उसे वो संस्था के उद्देश्यों में ही खर्च करते हैं। साथ ही आय का एक बड़ा हिस्सा जनहित के कार्यों में भी लगाया जाता है। हम कोई किसी तरह से कोई लोगों से पैसा भी लेते हैं तो वो टोटल जो आय है उसमें से यदि कोई भी पैसे का कमाई होती है तो पूरी तरह से वो संस्था के जन उपयोगी कार्यों में ही व्यय किया जाता है। हालांकि इन सबके बीच बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने अपने ट्रस्टों की संपत्ति की घोषणा तो कर दी, लेकिन जब मीडिया ने उन दोनों से कंपनियों की संपत्ति की घोषणा पर सवाल पूछा तो दोनों ने इसे बड़े ही सफाई से टाल दिया।